मुजफ्फरनगर में हाईवे पर कांवड़ियों की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में कई शिव भक्त घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि टायर फटने से कैंटर पलट गया। हतौली कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। खबर भदोही जिले से है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर की लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद काफी देर तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही। बाद में ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सीतामढ़ी जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर और ट्रेन में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। अंबेडकर नगर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को पीटा। ये लोग टाटा सफारी और बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। करीब एक दर्जन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर घंटों उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले इन लोगों का पेट्रोल पंप कर्मचारियों से विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप स्टाफ की शिकायत के बाद पुलिस ने एक नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर मारपीट लूटपाट करने का आरोप है। अमरोहा में मिठाई की दुकान के बाहर बैठे मिठाई दुकानदार को कार से आए बदमाशों ने गोली मार दी। दुकानदार के सिर में गोली मारी गई है। दुकानदार को बचाने आए उसके भाई को भी हमलावरों ने गोली मार दी। दुकानदार के भाई के पैर में भी गोली लगी है। ग्रामीणों ने हमलावरों की कार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों के वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी में थी? अच्छा, फिर कितने लोग थे उसमें? पांच। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करते हुए गोली मार दी। किसकी गोली लगी? पासिंग है, दो भाई का मारा।